बुआ बुआ भतीजी सुबह सुबह तैयार हो गए। तुम चल रही था वहां से बालियन को कमीशन दो जाते मिठाई खिला देंगे एक एक पीस महंगाई बहुत है समझो करो महंगाई बहुत है एक पीस मिठाई खिला देंगे उधर चली जाएगी। इन्हें देखो इन्हें देखो इन्हें देखो कैसे डब्बे ऐसा मुंह खोल रहे हैं कपड़े पहन रहे हैं। राधे राधे जय माता दी। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं अपने ससुराल में हूँ, बिटिया की शादी में आई हुई हूँ। तो सबसे पहले तो ये लड्डू गोपाल जो है ना बड़े प्यारे हैं, इनके दर्शन कर लीजिए और राधे राधे बोल लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो लड्डू गोपाल हैं तो जी मेरी बिटिया रानी जो है ना तो वो अपनी ससुराल लेके जा रही हैं अपने साथ में। इतने प्यारे लड्डू गोपाल हैं और इनका श्रृंगार देखिए, साइज़ थोड़ा इनका अच्छा है लड्डू गोपाल का, बड़े साइज़ के लाई है तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर अभी ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मतलब 22 को मैं गई हुई थी और ये 23 की मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो ये हमारी बिटिया रानी का लगेज है जो पैक किया जा रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा पैक तो हो चुका है, थोड़ा सा डेकोरेट किया जा रहा है। और समय के हिसाब से ना बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। पहले के ज़माने में बक्से वगैरह चलते थे और हम लोगों के टाइम पे तो खैर सूटकेस वगैरह चलने लगे थे, लेकिन अब ये पैकिंग वगैरह तो जितने अच्छे से हर काम कीजिए उतनी ज़्यादा अच्छी और बात। सुबह के 9:40 हो गए हैं और मैं ससुराल से आ गई हूँ होटल में। और देखिए ऐसी चली आई, कान वगैरह में कुछ नहीं पहने हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी में निकल आई थी ना। और अभी हम लोग आ चुके हैं गेस्ट हाउस होटल, मतलब जहाँ से शादी हो रही है। तो देखिए अभी ना तैयारियाँ हो रही है, ये देखिए लगेज वगैरह रखा है, इग्नोर कीजिएगा, वो पीछे पूरी तैयारियाँ हो रही है ये देखिए। और ऐसे ना पीछे की तरफ धूप है ना तो आग सही अब कैप्चर हुआ है ये देखिए। तो तैयारी चल रही है क्योंकि शाम को शादी है और हम लोग वेडिंग हॉल में आ चुके हैं, ग्राउंड में जा रहे हैं रूम में। और इन्होंने अभी शावर नहीं लिया है, मैं तो घर से तैयार होके आई थी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि रात भर सो नहीं पाई हूँ ना तो तबीयत अजीब सी हो रही है। हाँ तो हम लोग आ चुके हैं होटल के अंदर, रूम में आ चुके हैं। और अभी ना मॉर्निंग में मतलब करीब 10 बजे करीब फंक्शन होगा लगुन का, लगुन चढ़ेगी, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तो लगुन चढ़ेगी ना तो इस वजह से रेडी भी होना है। तो फटाफट से ना मुझे हेयर वॉश करना है, मैं घर से हेयर, मैंने शावर तो ले लिया था पर हेयर नहीं वॉश किया हुआ था, तो अभी मैं फटाफट से हेयर वॉश करूँगी उसके बाद ही रेडी होंगी। वाइट वाइट हेयर कलर कलर तो खैर करती ही नहीं है। तो वहाँ कपड़े मैंने डाल दिए, घर से गीले कपड़े लेके आ गए। अच्छा ठीक है, जेठ का फोन आया हुआ है। एक्चुअली मेरे 3 जेठ हैं जो यहाँ रहते हैं इटावा में। हाँ 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 हाँ, ये पहले फटाफट से रेडी हो जाए फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी यहाँ पर मैं, मुझे रेडी होना है क्योंकि दिन में लगुन का फंक्शन होना है, लगुन मतलब फलदान का होना है, तो उसके लिए मुझे रेडी होना, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ फिर मिलती हूँ। महीना हो गया आज, मेरी बुआ की नजरें कैमरे पे। ले क्या कह रहे हो देव, तुम्हारी जल्दी कोई बिटिया बता रहे हैं, शादी करियो शादी करियो। बड़े भैया सबसे बड़ी वाली करेंगे। ऐसे कर रही देखो, ऐसे करो। अभी हम सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड में बैठे हुए हैं और मौसम आप देख सकते हैं ना बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला हो गया है। और अभी लगुन चढ़नी है
लगुन फलदान। तो हम सभी लोग अभी बैठे हुए हैं ग्राउंड में, क्योंकि चाय नाश्ते के लिए आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद में लगुन चढ़ेगी, लगुन के बाद में ही खाना वगैरह स्टार्ट होगा। लेकिन मौसम की जो कंडीशन है ना, तो देख के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड से ही पूरी शादी होनी है, और बारिश अगर हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन बारिश हो गई थी, पर भगवान की इतनी कृपा रही कि जब सब कुछ हो गया था उसके बाद ही बारिश हुई थी। मतलब जैसे अभी लगुन वगैरह का जो फंक्शन है ना, तो वो सारा कुछ हो गया था। लगुन का फंक्शन तो चलो होटल में अंदर अंदर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर खाना वगैरह जो था ना, तो सारा खाना वगैरह लगभग समाप्त होने आ गया था। उसके बाद ही यहाँ पर बारिश हुई थी। ये देखो तुम्हारा है क्या यूट्यूब पे? यूट्यूब पर है, जिसमें 4 वीडियो है बस। तो क्यों नहीं काम कर रही हो? इसमें तो आ रहा है। आकांक्षा ने चाय नहीं ली? नहीं नहीं। अच्छा ना पी, कुल्हड़ वाली चाय। इससे कह रहे पी लो, ये पी नहीं रही है, कह रही मुझे दूध पीना है। क्या है? देखो कितनी गुस्से में बैठी है, देखो देखो फूलन देवी। बहुत कम नहीं है, देखो देखो देखो। शुरू लड़ाई देखो। तुम उसको ऐसे लड़का बना दोगी? ये देखो इसे। बुआ दिन भर ऑफिस में सर फड़ाती है, अपना इनको लिए रहती है, घर आके लिए रहती है। तो अभी हम सभी लोग आ चुकी हैं होटल में अंदर, और आप देखिए यहाँ पर लगुन का फंक्शन जो है ना, वो स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने प्रॉपर से कुछ भी नहीं शेयर किया है। उसका भी रीज़न है, क्योंकि हम लोग ठहरे लड़की वाले, और मैं बेट लड़की की चाची, तो मुझे बड़ा ख़राब लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर लड़के वाले भी थे। अब सबके सामने कैमरा लेके तो जाते बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, इसीलिए मैंने बिटिया से थोड़ा बहुत मतलब बेटी थी देवरानी की, उससे थोड़ा बहुत तो कैप्चर करा लिया था, और खुद से तो नहीं उठ पाई थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ना कि सबके बीच में इस तरह से। और अभी तो किसी को अच्छे से हम लोग जानते भी नहीं हैं, कोई भला माने कोई बुरा माने, तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। तो दूर से बैठे बैठे ही मैंने जूम करके जितनी क्लिप बना पाई और बनवा पाई, आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। और कुछ इस तरह से हम लोगों के यहाँ फंक्शन होते हैं, शादी जब तय होती है ना, तो रोका होता है, फिर बरीक्षा होती है, उसके बाद गोद भराई, लगुन, शादी। तो ये रहे आज के फंक्शन, और सभी लोग बैठे हुए हैं। देवरानी है मेरी, इनसे तो आप लोग मिल ही चुके हैं। बुआ बैठी हुई हैं, मतलब मेरी बुआ की बहन, सभी लोग बैठे हुए हैं। और आज पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाएगा। अभी फंक्शन हो रहा है लगुन का, तिलक चढ़ रहा है, उसके बाद में रात में है शादी बिटिया रानी की, और शादी के बाद विदाई। तो अच्छा भी लग रहा है, सभी लोग मिलते जुलते हैं, और ये रस्में होती हैं, शादी ब्याह होते हैं, तो किसको नहीं अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना जुलना, मस्ती मजाक ये सब लगा रहता है। लेकिन जब विदाई का टाइम आता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, रोना आता है। तो ये देखिए यहाँ पर तिलक चढ़ चुका है, हम लोगों के यहाँ लगुन बोली जाती है, तो लगुन यहाँ पर चढ़ चुकी है। ये देखिए फाइनली, बस इसके बाद पे मतलब लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को सामान, मतलब जो भी, मतलब अब मैं यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप लोग तो जानते ही हैं। तो बस इसके बाद में सभी लोग एक दूसरे के गले मिलेंगे। सारे फंक्शन हो चुके हैं, लास्ट फंक्शन बचा हुआ है शादी का। तो शादी में आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी तो बस इसके बाद में खाना वगैरह खाएंगे। और अभी हम लोग आ गए हैं रूम में, होटल में, थोड़ा सा रेस्ट करने, क्योंकि रात को नींद नहीं हुई थी ना, बिल्कुल भी नींद नहीं हुई थी। तो अच्छा, ये बेड के ऊपर ये पेंटिंग है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है, मतलब ये वॉल में ही फिक्स है, वॉलपेपर है शायद, आकर्षित कह रहे हैं। तो ये दिखा दो, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, 3D अच्छी लग रही है। तो अभी रूम में आ गई हूँ, काफी देर की आ गई हूँ, बट मैंने अभी फोन उठाया, मैंने कहा लो थोड़ा सा
ब्लॉग शूट कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, सीधे तैयार हो और फिर सीधे जाओ शादी में। और आज भात भी पहनाना है। अभी दिन में ना लगुन चढ़ाई गई थी, लगुन हम लोगों में चढ़ाई जाती है, फलदान तिलक बोलते हैं उसको, तो लगुन चढ़ी थी दिन में और शाम में शादी बारात। कौन है आकर्षित? क्या हो गया? ये लोग जा रहे हैं। एक्चुअली इटावा मेरा प्रॉपर ससुराल भी है, मेरा जो एक्चुअल ससुराल है ना वो इटावा लखना है। तो ये जा रहे हैं यहाँ पर अपनी मौसी के यहाँ, इनकी मौसी भी यहीं पर रहती हैं। और कल वाली छुरी मैंने फिर से साड़ी पहन ली थी, मैच हो रही थी तो, और अच्छी लग रही है काफ़ी, देखिए। तो ये जा रहे हैं वहाँ पे और मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि फिर शाम में ना ग्राउंड में शादी है, खुले में और ज़्यादा ठंड बैठेगी, वेदर भी ख़राब है, ठंड का बारिश हुई है। शाम को बारिश ना हो, शादी अच्छी से हो जाए, क्योंकि जो बंद वाले गेस्ट हाउस होते हैं ना उनमें नहीं है, ग्राउंड फील्ड में शादी हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और लेटी हुई थी, ये देखिए ये है मेरा रूम और छोटा सा ही है बट अच्छा लग रहा है रूम, छोटा सा रूम है, अच्छा लग रहा है। नींद आ रही है लेकिन लेट हो ना तो फिर नींद नहीं आती है, और ऐसे लगता है कि नींद आएगी, और जैसे सोने के लिए लेट हो ना फिर नींद नहीं आती है। बारिश की वजह से ना काफी हद तक डिस्टर्बेंस हो गया है, बस ये कि अब भगवान विदाई हो जाए, मतलब शादी हो जाए और फिर चाहे मॉर्निंग टाइम पानी बरस जाए प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अभी हो जाए मतलब शादी के लिए पानी रुक जाए। चलिए आपको दिखाते हैं अपने यहाँ की शादियाँ कैसी होती हैं। 2 साल पहले मैंने आप लोगों के साथ में शादी के वीडियो शेयर किए थे, वो भी यहीं के थे, इटावा के ही थे। ये जो बेटी है ना तो इसके बड़े भाई की शादी थी, अब इस बार ये बेटी की शादी है। चलिए शाम को थोड़ा सा भी रेस्ट कर लूँ, शाम को आप लोगों से मिलती हूँ रेडी सेडी होके।